हेलो गाइस, दिस इज आदिल एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिस्टर फार्मासिस्ट। तो गाइस, आज हम बात करने वाले विटामिन डी के बारे में। विटामिन का मतलब ये होता है कि वाइटल अमाइंस, ऐसा अमीनो कंपाउंड जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम विटामिन कहते हैं। ठीक है, वेल विटामिन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल की बात करें तो विटामिन सी और बी वाटर सोल्यूबल होते हैं, और अगर फैट सोल्यूबल की बात करें तो विटामिन ए डी ई के, ये हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्पेशली विटामिन डी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर हम विटामिन डी की इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारी बॉडी के कैल्शियम होमोस्टेसिस को बैलेंस करता है। मींस ये हमारे जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक और किडनी से फॉस्फेट और कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन करता है, और हमारी बोन्स को हेल्दी और स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती है तो उन लोगों की हड्डियां भी काफी ज्यादा मजबूत होती हैं, और उनको बोन फ्रैक्चर या फिर हड्डी टूटने का खतरा भी कम से कम रहता है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो विटामिन डी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी जो है वो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स बनाता है, जो कि हमें रोगों से लड़ने के लिए काफी ज्यादा मदद करते हैं। ठीक है, इसके थर्ड इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारी डेली लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरे हिसाब से काफी ज्यादा लोगों को देखा होगा कि वो काम वगैरह करके काफी ज्यादा थक जाते हैं। ठीक है, और वो जल्दी ही मतलब कुछ भी काम करते हैं तो काफी ज्यादा थकावट फील करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम जनरलाइज वीकनेस कहते हैं, जो कि विटामिन डी की कमी वाले पेशेंट्स को होती है। तो अगर विटामिन डी का लेवल सही होगा तो हमें वीकनेस भी नहीं होगी। ठीक है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है विटामिन डी हमारी डेली लाइफ के लिए। ठीक है, नाउ विटामिन डी के सोर्सेज की बात करते हैं। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? तो विटामिन डी के दो सोर्सेज हैं। पहला तो डाइटरी सोर्स है, मीन्स उसको हम डाइट में ले सकते हैं। लाइक अगर हम एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं जैसे कि फिश एंड मीट, तो उससे हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग में 41 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बीफ लीवर की बात करें तो उसमें 49 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, अगर हम 100 ग्राम फिश की बात करें तो उसमें 529 इंटरनेशनल यूनिट हमारे विटामिन डी पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे कॉड लीवर ऑयल में, इसके सिर्फ एक टेबल स्पून में 1360 इंटरनेशनल यूनिट हमारा विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो लोग एनिमल प्रोडक्ट का कंजप्शन करते हैं तो उनमें विटामिन डी की कमी काफ़ी कम देखी जाती है। पहले विटामिन डी हमारे मिल्क में ही पाया जाता है, और साथ साथ अगर हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना चाहें तो विटामिन डी हमें सप्लीमेंट्स में ईजिली अवेलेबल हो जाता है। विटामिन डी के अगर बेहतरीन सोर्स की बात करें तो हमारी सनलाइट है। सनलाइट में यूवी रेज होती हैं, जो कि यूवी ए और यूवी बी टाइप की होती हैं, और जो यूवी बी टाइप की यूवी रेज हैं वो हमारी बॉडी में पड़ती है और हमारे कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी को ड्राइव करते हैं। ठीक है, थीके? तो अगर हम इन सब प्रोडक्ट का कंजप्शन नहीं करना चाहते तो सिंपली हम धूप में बैठकर भी विटामिन डी की मात्रा अपनी बॉडी में पूरी कर सकते हैं। बल्कि अगर आपको ये जानना है कि आपके लिए बेस्ट विटामिन कौन सा है, मतलब बेस्ट विटामिन सप्लीमेंट कौन सा है, तो आपको इसका एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म समझना पड़ेगा, जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट विटामिन कौन सा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए अब बात करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म की। तो गाइस, चाहे आप विटामिन डी डाइट में लें, अपनी सप्लीमेंट से लें, या फिर हमारी स्किन खुद बना लें सनलाइट से, तो जो हमारे जो ये ओवरऑल विटामिन होता है जो हम इनटेक करते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको एक्टिव हमारी बॉडी करती है। हमारा जो विटामिन डी होता है वो जनरली दो टाइप का होता है, विटामिन डी टू अर्गोकैल्सिफेरॉल और विटामिन डी थ्री कॉलीकैल्सिफेरॉल। जो हमारी स्किन होती है वो सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी थ्री बनाती है, यानी कि कॉलीकैल्सिफेरॉल बनाती है, और हम डाइट में विटामिन डी टू भी ले सकते हैं और विटामिन डी थ्री भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों लगभग सिमिलर होते हैं, बट कॉलीकैल्सिफेरॉल थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंट होता है। नाउ अगर आप थोड़ा गौर करें तो अर्गोकैल्सिफेरॉल और कॉलीकैल्सिफेरॉल दोनों के नाम के लास्ट में ही ऑल आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि दोनों में ही एक OH ग्रुप अटैच रहता है। ठीक है, अब ये OH ग्रुप काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर। ठीक है, वेल जब हम विटामिन डी का इंटेक कर लेते हैं तो ये जाता है लीवर के पास एक्टिव होने के लिए। अब लीवर के पास एक एंजाइम होता है 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, जो कि क्या करता है, विटामिन डी थ्री और विटामिन डी टू दोनों के स्ट्रक्चर में एक और OH जोड़ देता है 25th पोजिशन पर, तो इसलिए इसको हम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टू और 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी थ्री कहेंगे। ठीक है, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम कैल्सिफेडायल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो OH ग्रुप लग गए, एक OH ग्रुप पहले से लगा हुआ था और एक OH ग्रुप अब लग गया, तो इसलिए हम इसको डायऑल कहेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा आ गया सर्कुलेशन में। ठीक है, ब्लड में आ गया है, तो जब हम किसी का विटामिन डी लेवल चेक करते हैं तो असल में हम कैल्सिफेडायल का लेवल चेक करते हैं। नाउ कैल्सिफेडायल जाता है किडनी के पास, और किडनी के पास एक एंजाइम होता है 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जो कि अब इस पर एक और OH ऐड कर देता है और इसको अब ट्रायोल बना देता है, तो हमारा कैल्सिफेडायल कैल्सी ट्रायोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो किडनी के पास ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कैल्सी ट्रायोल में।
तो अभी ये कैल्सिट्राइओल हमारी एक्टिव फॉर्म होती है जो कि हमारी बॉडी में काम करती है, विटामिन डी का जो भी काम होता है वो कैल्सिट्राइओल अब हमारे बॉडी में रोल प्ले करता है। यहाँ पर हमारा जो हमने इंटेक किया था वो इनएक्टिव फॉर्म थी और जो कैल्सिट्राइओल है वो एक्टिव फॉर्म है, और जो कैल्सिफेडायोल थी वो हमारी सर्कुलेटिंग फॉर्म है जो हमारे ब्लड में पाई जाती है। नाउ अब देखते हैं कि हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि हमारे लिए किस तरह का विटामिन डी बेस्ट रहेगा, हमें अर्गोकैल्सिफेरॉल लेना चाहिए, कोलीकैल्सिफेरॉल लेना चाहिए या फिर सीधे सीधे कैल्सिट्राइओल लेना चाहिए जो कि एक एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो इस पर हम बात करते हैं। तो गाइस अगर आपके लीवर और किडनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपको कोलीकैल्सिफेरॉल ही लेना चाहिए। ठीक है, कोलीकैल्सिफेरॉल इनएक्टिव फॉर्म है और इसको बॉडी आराम से एक्टिव कर लेगी। ठीक है, जब भी इसको जरूरत होगी, जैसे भी नीड होगी, वो इसको एक्टिवेट करके अपना यूज़ में ले लेगी। ठीक है, आपको अर्गोकैल्सिफेरॉल यानी कि विटामिन डी टू नहीं लेना है, विटामिन डी थ्री ज़्यादा बेटर है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपको सप्लीमेंट्स में विटामिन डी लेना है तो आप कोलीकैल्सिफेरॉल को ही प्रेफरेंस देंगे, और अगर आपकी किडनी या लीवर में कोई प्रॉब्लम है वो अच्छे से काम नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको कैल्सिट्राइओल लेना पड़ेगा जो कि एक्टिव फॉर्म है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप कैल्सिफेरॉल ले लेंगे और आपका लीवर और किडनी सही से काम नहीं कर रहे तो वो कैल्सिट्राइओल में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा, और कैल्सिट्राइओल में कन्वर्ट नहीं होगा तो उस समय कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो ऐसे में जिनका लीवर किडनी खराब रहता है तो उनको कैल्सिट्राइओल लेना चाहिए। वेल, अगर आप विटामिन डी लेते हैं तो उसकी भी बहुत सारी फॉर्म मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें ये टैबलेट, कैप्सूल, सैचेट और ड्रॉप्स, इन सब में मार्केट में ये अवेलेबल रहता है। ठीक, तो एक एक करके सब पे डिस्कस करते हैं। अगर जो पेशेंट है वो बच्चा है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसको 2 साल तक विटामिन डी 3 की ड्रॉप्स चलती हैं। ठीक है, अगर हम टैबलेट और कैप्सूल का तो बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, और अगर सैचेट देने हैं तो वो बहुत रेयर केस में होता है जिसमें बच्चों को सैचेट दिया जाता है। ठीक है, अगर विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, हालांकि जनरली बच्चों के लिए 2 साल तक विटामिन डी 3 की ड्रॉप चलती है जो कि 400 इंटरनेशनल यूनिट और 800 इंटरनेशनल यूनिट में ही बच्चे को दी जाती है। बात करते हैं बड़ों की, अगर आपको टैबलेट लेनी है, ठीक है, तो आप टैबलेट ले सकते हैं, विटामिन डी 3 काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती हैं और एकदम बढ़िया काम करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, बट टैबलेट लेने से कुछ पेशेंट्स को क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है, उनके पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं, दर्द होने लगता है, तो ऐसे में वो टैबलेट्स को अवॉइड करते हैं। हालांकि इस साइड इफेक्ट से बचने के लिए वो टैबलेट को खाने के साथ ले सकते हैं, क्योंकि हमारा विटामिन डी जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस दोनों चाहिए, तो वो तो अच्छे से रिलीज होते हैं हमारे खाने के टाइम पे। जब हमारा खाना अंदर जाता है तो ही हमारा बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस अच्छे से रिलीज होते हैं, तो इसलिए अगर हम टैबलेट को खाने के टाइम पे लेते हैं तो हमारे लिए डाइजेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, उसके साइड इफेक्ट भी कम से कम होते हैं, बट फिर भी किसी को साइड इफेक्ट होते हैं तो वो विटामिन डी के कैप्सूल भी ले सकता है, जो कि जनरली वंस पर डे लिया जाता है। ठीक है, और कुछ पेशेंट को रोज़ रोज़ दवाई खाने का मन नहीं होता, ठीक है, वो रोज़ रोज़ दवाई खाना नहीं चाहते, तो ऐसे में वो सैचेट भी प्रेफर कर सकते हैं। कोलीकैल्सिफेरॉल पाउडर की फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है, जिसको जनरली हफ्ते में एक बार दूध में मिला के या फिर महीने में एक बार दूध में मिला के इस तरह से ये लिया जाता है। और हाँ, इसको आपको डॉक्टर की सलाह से लेना है, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा सेफ मेडिकेशन है, बट फिर भी डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी, तो आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे इंस्टाग्राम पेज mr_pharmacist उसको भी जरूर फॉलो करें, उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव पोस्ट मैं डेली अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो बन रही है हमारे साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।